थाना मलपुरा क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे एक वॉल्वो स्लीपर बस ने हाईवे के किनारे रखे लकड़ी की दुकानों में कहर मचा दी। स्लीपर बस करीब 5 दुकानों को तहस नहस करती हुई बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसमें बस चालक गंभीर घायल हो गया। थाना मलपुरा क्षेत्र के ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बस धौलपुर की ओर से आ रही थी, जो आगरा की ओर जा रही थी। थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाद फ्लाईओवर से उतरते समय अज्ञात कारणों के चलते बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के खोखे में घुसते हुए विद्युत के पोल को तोड़ते हुए पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते बस चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जो कि बस में ही अंदर फंस गया। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर थाना मलपुरा के ककुआ चौकी प्रभारी अमन कुमार मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से बस चालक को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए भेजा गया। ये बस फिर बस से कैसे क्या हुआ? किधर से आ रही थी? किधर से? आप कहाँ बैठे थे उस समय? रोड पर दुकान खोलने आए थे। हाँ। फिर क्या देखा आपने? धूमाधार पर आठ बजे आधा बजे। अगर ड्राइवर क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह चाहर। आज क्या घटना हुई है? धौलपुर की तरफ से बस आ रही थी, ड्राइवर को नींद आ गई, एकदम रोनता हुआ चला आया। किसी प्रकार की कोई जनहानि? जनहानि ड्राइवर तो बता रहे खत्म हो गया, मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और कोई नुकसान वगैरह किसी? और घायल हो गए जगदीश भाई साहब हैं मड़ैया के, वो घायल हो गए हैं, उनके पैर टूट गया है। अभी सुबह की घटना है, थोड़ी देर पहले की। और वो खजान सिंह बच गया बेचारा, बगल में खड़ा था, और सलीम, ये दोनों लोग बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ये तो लट्ठा आ गया बिजली का, उससे ये रुक गई, ये तो बहुत बड़ी जनहानि हो जाती। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। ये क्या घटना हुई आज? ये इधर से तेज गति से गाड़ी आई है, शायद ड्राइवर को नींद लग गई, क्या हुआ ब्रेक फेल हुई कुछ नहीं पता है, और जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है आज। कौन सी जगह पे हुआ है? ये गांव बाद है, थाना मलपुरा क्षेत्र में। किसी को चोट वगैरह आई है? इसमें ड्राइवर एक्सपायर हो गया है। और किसी सवारी वगैरह हल्का, और ये दुकानदार भी चोटिल हो गए हैं, कई दुकानों को तहस नहस कर दिया इस गाड़ी ने। पुलिस अभी आई है। यही का निवासी हूँ। कौन सी जगह है जी? बात गांव है। अरे क्या हुआ है? मेरे ऐसा हुआ था कि गाड़ी मेरे को दी गई, मैंने सामान सट्टा रेडी करके लगा के दुकान पर मैं बैठने वाला था, जब तक गोली की तरह गाड़ी ऐसी आई तो रौंदती हुई, मेरे को एकदम पेट में पानी होगा, मैं वहाँ से घर निकला, इधर भाग आया हमें। तो फिर किसी के चोट वोट लगी आप लोगों को? मेरे चोट नहीं आई है, और सामने वाले वो बैठे थे, उनकी पता नहीं है। क्या करते हैं आप इसको? क्या क्या किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? मेरी गोल्ड मर है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, और फल है, केला है। फल फ्रूट की दुकान है। दुकान में नुकसान भी हुआ होगा? नुकसान भाई साहब सब पूरा नुकसान ही है, वो कम से कम निकाल बाटे 17,000 रुपया हमारे को मेरा। फ्लाईओवर से उतरते हुए बस तेज गति से जगदीश के पान मसाला, रणधीर के टीन सेट, सलीम की पंचर की दुकान और खजान सिंह के फल के खोखे को रौंदती हुई बिजली के खंभे व पेड़ में जा टकराई, जिससे हाईवे पर चल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। 3 से 4 सवारी भी मामूली रूप से घायल बताई जा रही है। घटना में घायल जगदीश को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। देखिए, एक बस का हादसा हुआ है, उसमें ड्राइवर जो है वो घायल हुआ था, उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि उनकी मृत्यु हो गई है, और बाकी जो उसमें सवारी थे वो सेफ हैं। नहीं, अभी और कोई जनहानि नहीं है, बाकी सारे जितने भी उसमें यात्री थे वो सेफ हैं। तो वहीं चिकित्सकों ने बस चालक धौलपुर के पंचगाई निवासी हेमंत उम्र 38 वर्ष पुत्र रामबाबू को मृत घोषित कर दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से जाकिर हुसैन की रिपोर्ट।